नमस्कार साथियों, आप समस्त बुद्धिजीवियों के मध्य मैं तुच्छ पुनः उपस्थित हूँ। साथियों, विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण से संबंधित एक अभियान चलाया हुआ है मैंने। यदि आपको विंध्य प्रदेश से संबंधित वीडियोस देखने हैं तो कृपया हमारे चैनल पर अंदर विजिट करके, एक प्लेलिस्ट है हमारा विंध्य हमारा गौरव, उसको जाकर के चेक करें या फिर यह प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी। मित्रों, विंध्य प्रदेश के निर्माण को लेकर के एक तर्क बड़ा ही प्रभावी रूप से प्रबलता के साथ और आम तौर पर दिया जा रहा है कि यदि बुंदेलखंड के चार जिले अर्थात पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया इस नव निर्मित राज्य में शामिल नहीं होते हैं तो यह राज्य कैसे चलेगा? कुल मिलाकर 30 विधानसभा की सरकार कैसे चलेगी? रोज विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाएगी और सरकार बदलती रहेगी, अर्थात राज्य में अस्थिरता बनी रहेगी। मित्रों, मैं तो यही चाहूंगा कि बुंदेलखंड के प्रस्तुत चार जिले भी हमारे साथ आएं और विंध्य प्रदेश का हिस्सा बने, अगर वो अपना कल्याण चाहते हैं तो। यदि वे हमारे साथ नहीं भी आते हैं तो भी हमारा स्वरूप कैसा होगा, यानी कि विंध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा होगा, आइए उस पर विचार करें। जहां तक बात बची कि 30 विधानसभा की सरकार कैसे चलेगी, तो मेरे मत में यहां इस दृष्टि से विचार करना उपयुक्त नहीं जान पड़ता है, बल्कि इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि विंध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है और यहां की जनसंख्या कितनी है। संभाग, जिले, तहसील और विधानसभा सीटों का क्या है? राज्य बनने के पश्चात इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है, अर्थात इनमें संशोधन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जब नए राज्य बने तब वहां पर उतने जिले और विधानसभा सीटें नहीं थीं जितनी आज हैं, अर्थात उनमें इजाफा किया गया। तो प्रस्तुत तर्क गुमराह करने वाला और भटकाऊ जान पड़ता है, इसके फेर में ना पड़े। मित्रों, विंध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल यदि बुंदेलखंड के क्षेत्रों को, यानी कि पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया जिलों को भी इसमें शामिल करें तो वह बनता है 61,131.5 वर्ग किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा तीनों ही राज्यों के क्षेत्रफल से ज्यादा बनता है। तत्पश्चात यदि जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, ये तो हुए बघेलखंड के क्षेत्र, और पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया यानी बुंदेलखंड के जिले, इन सबको मिलाने के पश्चात, सारे जिलों की पॉपुलेशन जोड़ने के पश्चात जो कुल आबादी बनती है विंध्य प्रदेश की, वह होती है 1,43,87,000। तो ये तो बात हुई मित्रों बुंदेलखंड को जोड़ने के पश्चात। अब कुछ लोगों के मन में यह डाउट है कि यदि बुंदेलखंड के जिले हमारे विंध्य प्रदेश के साथ शामिल नहीं होते हैं तो इसका क्षेत्रफल या पॉपुलेशन कितनी होगी, आइए उसके विषय में जान लें। अतः यदि बुंदेलखंड क्षेत्र के समस्त जिलों के क्षेत्रफल और जनसंख्या को घटा भी दिया जाए तो भी विंध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी बनती है? तो कुल क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो विंध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है मित्रों, 61,131.5 वर्ग किलोमीटर। इसमें से बुंदेलखंड क्षेत्र के समस्त जिलों का क्षेत्रफल यदि घटा भी दें, यानी कि 22,602 वर्ग किलोमीटर, तो कितना बचता है, 38,529.5 वर्ग किलोमीटर, जो कि हरियाणा के समतुल्य है। यदि कुल जनसंख्या की बात की जाए 2011 सेंसस के अनुसार तो कितनी है विंध्य प्रदेश की, 1,43,87,000। अब इसमें से बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों की जनसंख्या घटा दें यानी कि 46,07,000, तो कितना बचता है, 97,80,000। इस लिहाज से यह उत्तराखंड के समतुल्य बैठता है। अभी 2021 में पुनः जनगणना भी होनी है तो जनसंख्या पुनः बढ़ जाएगी। इस लिहाज से देखें तो इस प्रदेश की या क्षेत्र की जनसंख्या 1,10,00,000 के आसपास हो जानी चाहिए 2021 में। भारत के कुछ अन्य छोटे राज्यों से यदि विंध्य प्रदेश की तुलना करके देखें तो सर्वप्रथम उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,01,00,000 है और यहाँ का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से ये हमारे समतुल्य ठहरता है। तत्पश्चात हरियाणा की बात करें तो 2.54 करोड़ यहाँ की कुल जनसंख्या है और 44,212 वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हमारे समतुल्य है। तत्पश्चात झारखंड की बात करें तो 3.19 करोड़ यहाँ की कुल पॉपुलेशन है और 79,714 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 68.6 लाख पॉपुलेशन है और 55,673 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है।
पॉपुलेशन की दृष्टि से ये हमसे बहुत कम है। तत्पश्चात 2.8 करोड़ पॉपुलेशन पंजाब की है और 50,362 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। गोवा की बात करें तो 18.2 लाख पॉपुलेशन है, 3,702 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। ये दोनों ही दृष्टि से हमसे 8-10 गुना छोटा है। तत्पश्चात बात करें मणिपुर की तो 27.2 लाख कुल पॉपुलेशन है, 22,327 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। सिक्किम की बात करें तो 6.19 लाख पॉपुलेशन है और 7,096 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। त्रिपुरा की बात करें तो 36.6 लाख पॉपुलेशन है और 10,492 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। मेघालय की बात करें तो 26.5 लाख यहाँ की कुल पॉपुलेशन है और 22,720 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 12.6 लाख पॉपुलेशन है और 83,743 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। मिजोरम की बात करें तो 11.2 लाख पॉपुलेशन है और 21,081 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। नागालैंड की बात करें तो 22.8 लाख कुल पॉपुलेशन है और 16,579 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे राज्य पॉपुलेशन और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से हमसे काफी छोटे हैं। इन छोटे राज्यों में से कुछ राज्यों की विधानसभा सीटों और जिलों की संख्या का उल्लेख यदि हम करें तो पाते हैं कि उत्तराखंड जो कि जनसंख्या में हमारे समतुल्य है, वहां 13 जिले और 71 विधानसभा सीटें हैं। तत्पश्चात हरियाणा की बात करें जो कि क्षेत्रफल में हमसे समतुल्य है, वहां भी 22 जिले और 90 विधानसभा सीटें हैं। तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश की बात करें जो कि जनसंख्या में हमसे बहुत कम है, वहां भी 12 जिले और 68 विधानसभा सीटें हैं। तत्पश्चात गोवा की बात करें, कुल मिलाकर के 3,702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, परंतु इतने छोटे राज्य में भी 2 जिले और 40 विधानसभा सीटें हैं। मणिपुर की बात करें तो 16 जिले 60 विधानसभा सीटें हैं। सिक्किम जो कि इतना छोटा राज्य है, वहां भी 4 जिले और 32 विधानसभा सीटें हैं। तत्पश्चात त्रिपुरा की बात करें तो वहां पे 8 जिले 60 विधानसभा सीटें हैं। तत्पश्चात मेघालय की बात करें तो 11 जिले 60 विधानसभा सीटें हैं। तत्पश्चात अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 25 जिले 60 विधानसभा सीटें हैं। तत्पश्चात मिजोरम की बात करें तो 8 जिले 40 विधानसभा सीटें हैं और नागालैंड की बात करें तो 12 जिले और 60 विधानसभा सीटें हैं। तो मित्रों, इतने छोटे छोटे राज्यों में भी जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से हमसे 8-10 गुना छोटे हैं, वहां भी इतनी इतनी विधानसभा सीटें और जिले हैं, तो आप कैसे ये कपोल कल्पना कर लेते हैं कि विंध्य प्रदेश में हमेशा 30 विधानसभा सीटें ही रहेंगी। बुंदेलखंड के प्रस्तुत चारों जिले यदि हमारे साथ नहीं भी आते हैं तो भी हमारा लैंड एरिया काफी विशाल होगा, जो कि लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास होगा, यानी कि हरियाणा के हम तुलनात्मक होंगे, और पॉपुलेशन भी 1 करोड़ के आसपास होगी, यानी कि हम उत्तराखंड के आसपास होंगे, और भविष्य में नए जिलों का निर्माण भी होगा, जैसे मैहर, नागौद, चित्रकूट और मऊगंज इत्यादि। अतः विधानसभा सीट भी 30 नहीं रहेंगी। जब नए राज्यों की संकल्पना की जाएगी तो विधानसभा सीटों की संख्या में और जिलों की संख्या में भी क्रमशः बढ़ोतरी की जाएगी। गोवा और सिक्किम जैसे इतने छोटे राज्यों तक में क्रमशः 40 और 32 विधानसभा सीटें हैं, तो आप कैसे ये कपोल कल्पना कर सकते हैं कि विंध्य प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य, जहां अगर बुंदेलखंड के चारों जिलों का क्षेत्रफल निकाल भी दें तो भी 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल निकलता है, जो कि लगभग हरियाणा के समतुल्य है, और जनसंख्या उत्तराखंड के समतुल्य है, वहां 30 विधानसभा सीटें ही रहेंगी। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य जो कि जनसंख्या में इतने कम हैं कि हमारा रीवा जिले की भी जनसंख्या उनसे ज्यादा है और लैंड एरिया भी हमसे दुगना तिगुना कम है इनका, फिर भी इन सभी राज्यों में 60 के लगभग विधानसभा सीटें हैं, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि विंध्य प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य जिनका लैंड एरिया इनसे दुगना तिगुना ज्यादा है और जहां की जनसंख्या भी इनसे ज्यादा है, 10 गुनी ज्यादा है, उस जगह पे विधानसभा सीटें हमेशा 30 ही रहेंगी। प्रदेश बनने के पश्चात क्या इनमें संशोधन नहीं किया जाएगा और इनमें इजाफा नहीं होगा? अतः मेरी नजर में यह एक भटकाऊ, गुमराह करने वाला और निराधार तर्क है। अंततोगत्वा गोवा, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में आप स्वयं चेक करके देखें कि कितनी पॉपुलेशन है इन राज्यों की और कितना टोटल लैंड एरिया है और कितनी विधानसभा सीटें इन सभी राज्यों में आती हैं और क्या इन सभी राज्यों में भी रोज सरकारें गिर जाया करती हैं।
आशा करता हूं कि आपको आपके तर्कों का उत्तर मिल गया होगा। मिलते हैं पुनः नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय विंध्य प्रदेश। और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, बेल आइकॉन अवश्य ही दबा दें, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारी ये श्रृंखला पसंद आ रही है, तो इसे शेयर अवश्य ही करें, जिससे कि ये अपने अंतिम लाभार्थी तक पहुँच सके। हाँ मित्रों, नीचे कमेंट करके अवश्य ही बताएं कि आप अन्य किन मुद्दों पर चर्चा करना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, हमारे साथ तब तक आप जुड़े रहें।